नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आप IAS में। दोस्तों, समीक्षा सीरीज़ का ये चौथा लेक्चर है। इसमें जो है हम UPSC के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जितने भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट UPSC ने आज तक पूछे हैं 1995 से 2019 तक, वो डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हैं आपके, वही की कहाँ के लिए, आपकी सक्सेस के लिए, आपके IAS बनने के लिए। तो क्योंकि जो है आप अगर प्रिडिक्ट कर सकते हैं किसी चीज़ को, UPSC के क्वेश्चन को, तो उसी के क्वेश्चन के आधार पर कोई भी मॉक टेस्ट सीरीज आपको जो है ये नहीं बता सकती कि किस प्रकार से क्वेश्चन UPSC ने अभी तक पूछे हैं और आगे कैसे पूछ सकती है। तो आज के जो वीडियो की शुरुआत करने से पहले कल के सॉल्यूशन ऑफ द डे देख लें। देखिए, सॉल्यूशन ऑफ द डे किस क्वेश्चंस के हैं, जो क्वेश्चन ऑफ द डे हम देते हैं, और ये क्वेश्चन ऑफ द डे कहाँ जाते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ द डे से। तो कॉन्सेप्ट ऑफ द डे आप देखिए और क्वेश्चन ऑफ द डे देखिए। तो इसमें जो है इसका पहले क्वेश्चन का आंसर क्या था, इसका क्वेश्चन का आंसर बी था। और वहीं जो है जब क्वेश्चन नंबर टू की हम बात करते हैं, यहाँ पे पूछा गया था कि ये एक्स क्या है, तो ये एक्स के लिए सी आंसर करेक्ट हो जाता है, यानी कि जो है नॉट मोर देन 20 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूनियन टेरेटरीज। तो दोस्तों, जिसने अभी तक पिछले तीन लेक्चर नहीं देखे हैं वो जाके देख लें। तो आइए शुरू करते हैं प्रीएम्बल की सारी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो अभी तक पूछे गए हैं तीन क्वेश्चन, ये जो तीन क्वेश्चन ये फैक्चुअल और कंसेप्चुअल दोनों नेचर के हैं। तो देखिए, प्रीएम्बल में एग्जैक्टली आपको पढ़ना क्या है, प्रीएम्बल में ये पढ़ना है कि प्रीएम्बल है क्या, इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या क्या हैं, जैसे कि इसके कंपोनेंट क्या क्या हैं, जैसे सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, कीवर्ड्स क्या क्या हैं, जैसे इट डिक्लेयर्स इंडिया टू बी अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक स्टेट। इस तरीके से आपको हर एक कीवर्ड पता होना चाहिए, प्रीएम्बल का सिग्निफिकेंस क्या है, और प्रीएम्बल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के क्या क्या जजमेंट है, और अमेंडेबिलिटी ऑफ प्रीएम्बल क्या है। तो आगे जानते हैं, पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। तो दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है, यहाँ पर एक्स क्या है इसको पूछा गया है, यहाँ पे पूछ दिया गया है कि किस डेट पे जो है प्रीएम्बल एनेक्ट किया गया। तो बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है, आंसर मुझे लगता है आप लोगों ने कमेंट किया होगा। तो देखिए, इसका आंसर जो हो जाता है बेसिकली वो आंसर हो जाता है बी, यानी कि जो 26 नवंबर 1949 को जो है हमारा प्रीएम्बल जो है अडॉप्ट हुआ। तो आइए जानते हैं प्रीएम्बल के बारे में। प्रीएम्बल जो है चार बेसिक इंग्रेडिएंट को जो है एम्बॉडी करता है। तो उसमें जो है सोर्स ऑफ द पावर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि ये कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पावर कहाँ से डिराइव करता है, पीपल ऑफ द नेशन से, यानी कि इंडिया के हर एक सिटीजन से जो है कॉन्स्टिट्यूशन पावर डिराइव करता है। और इंडिया के जो नेचर है, स्टेट ऑफ इंडियन, नेचर ऑफ इंडियन स्टेट जो है वो डिक्लेयर करता है कि सोवरेन, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक पॉलिटी इंडिया की है। ऑब्जेक्टिव की जब हम बात करते हैं, तो जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी को इसने जो है हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो है वो ऑब्जेक्टिव बताया। और वहीं जो है डेट ऑफ जो है अडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो जाती है, 26 नवंबर 1949। तो ये क्यों अडॉप्ट किया गया इस दिन, इसके पीछे भी बहुत गहरा राज है, वो आगे की सीरीज़ में हम आपके लिए जो है वो खोल देंगे। तो आइए प्रीएम्बल के बारे में जानते हैं। प्रीएम्बल क्या है, ये प्रीफेस है, जैसे कि कोई भी किताब आप पढ़ते हैं उसका प्रीफेस जो होता है, शुरुआती जो पन्ना होता है वो ये है, जो बताता है कि आगे की किताब में आपको क्या मिलेगा। वहीं जो है प्रीएम्बल किसी भी चीज़ का सोर्स ऑफ पावर नहीं है, ना ही ये लेजिस्लेचर के ऊपर जो है प्रोहिबिशन देता है। अब मान लीजिए कोई किताब का पन्ना है, तो वह कैसे किसी को जो है पावर का जो है वो देगा, मतलब अथॉरिटी कैसे किसी चीज़ को दे देगा, वो खाली बता सकता है कि ये चीज़ें यहाँ होनी चाहिए, उससे बेसिक एसेंस देखा जा सकता है कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या है। और ये नॉन जस्टिफाइबल इन नेचर है, कई बार UPSC क्वेश्चन पूछ सकती है कि प्रीएम्बल इज़ जस्टिफाइबल इन सर्टेन केसेज, और UPPCS में ये क्वेश्चन पूछा भी गया था DPSP के ऊपर। तो ऐसे ही जो है ये UPSC भी पूछ सकती है, तो आप लोग इसको ध्यान में रखें कि ये नॉन जस्टिफाइबल है। वहीं देखिए प्रीएम्बल जो है बेसिक फिलोसफी को एम्बॉडी करता है, बेसिक पॉलिटिकल, मॉरल और रिलीजियस फिलोसफीज को जो है, और फंडामेंटल वैल्यूज़ को जो है एम्बॉडी करता है। वहीं जो है ये क्या करता है, हमें दिखाता है द ग्रैंड नोबल विजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी कि जो जितने भी हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट्स हुई थी, उसके बाद ये प्रीएम्बल जो है एडिशनली जोड़ा गया था आफ्टर द एनेक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जोड़ा जाने का मतलब ये है कि ये एक ग्रैंड विजन था, जो कि उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूएंट मेकर्स जो हैं वो फुलफिल नहीं कर पाए, तो उन्होंने जो है ये प्रीएम्बल के रूप में आगे की सरकारों को ये दे दिया कि ये हमारा विजन है कि आप भारत को इस ओर ले जाएं। तो मुझे लगता है कि प्रीएम्बल के ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अब देखिए, बेसिक कीवर्ड आपको जान लेना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए, सोवरेन, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक तो हम बड़े मज़े से कहते हैं, मगर इनका जो अर्थ है वो हमें कई बार पता नहीं होता, और UPSC इन क्वेश्चंस के ऊपर भी जो है क्वेश्चन कई बार पूछ लेती है।
तो आइए जानते हैं कि सोवरेन का मतलब क्या हो जाता है दोस्तों। सोवरेन का मतलब देखिए कि इंडिया जो है ना किसी के ऊपर डिपेंड होता है और ना ही जो है इंडिया किसी के दबाव में आएगा। देखिए और इंडिया क्या है, इंडिपेंडेंट स्टेट है, कोई भी अथॉरिटी इंडिया के ऊपर नहीं है और इंडिया सफिशिएंट है अपने इंटरनल और एक्सटर्नल मामलों में। तो अभी आपने हाल ही में देखा होगा यूएसए ने बोला कि भैया आप जो है ईरान से ऑयल ना लें, मगर हमने कहा भैया लेंगे, हम एक सोवरिन सोशलिस्ट नेशन है, यानी कि हम सोवरेन नेशन है, यानी कि हमारे ऊपर कोई नहीं है, हम अपने इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर्स को अपनी मर्जी से जो है रेगुलेट करेंगे, ना कि यूएसए के दबाव में। तो मुझे लगता है कि सोवरेन का मतलब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सोशलिस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। सोशलिस्ट का मतलब है कि डेमोक्रेटिक सोशलिज्म इंडिया में अपनाया है। तो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का मतलब देखिए यहाँ पे क्या होता है, एक मिक्सड फॉर्म ऑफ इकोनॉमी होता है और पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर जो होते हैं को एग्जिस्ट करते हैं एक साथ में। मगर जो है कम्युनिस्ट सोशलिज्म जो होता है वो क्या होता है, इसमें जैसे नेशनलाइजेशन हो जाता है, जैसे चाइना में है, यहाँ पे सीपीआई जो पार्टी है वहाँ पे जो है कम्युनिस्ट पार्टी जो है चाइना की, तो वहाँ पे जो है चाइना ने जो है पूरे जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको सोशलाइज कर रखा है और वहीं पे जो है प्रोडक्शन और मीन्स जितने भी होते हैं वो कम्युनिटी ओन्ड हैं। तो ये इंडिया में नहीं है, यहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट पार्टनर जो हैं वो को एग्जिस्ट करते हैं साथ साथ, मगर जो है गवर्नमेंट रेगुलेट करती है प्राइवेट सेक्टर्स को भी जहाँ पे ज़रूरत होती है, और ज़रूरत पड़ने पर उनका नेशनलाइजेशन भी किया जा सकता है। वहीं सेकुलरिज्म की जब हम बात करते हैं तो सेकुलरिज्म दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, एक पॉजिटिव सोशलिज्म और एक नेगेटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या अंतर है, देखिए जो पॉजिटिव वाला होगा वो कहेगा कि ऑल रिलीजन्स आर इक्वल, वहीं जो नेगेटिव वाला है वो कहेगा कि भारत में जो है देव या कोई भी चीज़ जो मतलब कोई भी स्पेसिफिक रिलीजन है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। मगर जो भारत का जो सेक्युलरिज्म है वो क्या कहता है, रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन और जो है नो टॉलरेंस टू एनी रिलीजन। तो मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो है सारे रिलीजन हमारे लिए सेम स्टेटस और सेम पावर जो है एंजॉय करेंगे, यानी कि भारत की पॉलिटी के अंदर। वहीं देखिए डेमोक्रेटिक की जब हम बात करते हैं तो डेमोक्रेटिक का अर्थ यहाँ पे क्या हो जाता है, देखिए डॉक्ट्राइन ऑफ पावर के अंतर्गत जो सोवरेनिटी एक कॉन्स्टिट्यूशन की एक पॉलिटी की जो है वो जब देखी जाती है तो सुप्रीम पावर किसी भी चीज़ की जो है वो पीपल को माना जाता है, तो उसे कहा जाता है डेमोक्रेटिक। तो डेमोक्रेटिक का मतलब यहाँ पे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल में दिखाया गया है उसका मतलब ये है कि खाली पॉलिटिकल डेमोक्रेसी नहीं, हमारे देश में होनी चाहिए सोशल डेमोक्रेसी और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी भी, यानी कि जो सारे लोग हैं हमारे देश के उनको जो है इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, सोशल इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन होना चाहिए, ताकि जो है वो अपने बेसिक जो है इच्छाएं हैं उनको पूरा कर सकें। वहीं देखिए रिपब्लिक की जब हम बात करते हैं, रिपब्लिक ये इंडिकेट करता है कि हेड जो है हमारा जो है इलेक्टेड है, यानी कि प्रेसिडेंट है जो कि इनडायरेक्टली इलेक्ट होता है फॉर एवरी 5 ईयर टर्म्स। वहीं देखिए जब हम जस्टिस की बात करते हैं, जस्टिस कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेम्बल में जो है वो अलग तीन प्रकार की अलग अलग जस्टिस को जो है दिखाया गया है। तो वो कौन कौन सी हैं, सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस, जो कि फंडामेंटल राइट्स और DPSP के माध्यम से जो है वो इन्फोर्स की जाती हैं। तो कई बार UPSC जो है ये क्वेश्चन भी दोस्तों पूछ देता है कि कितने प्रकार की जस्टिस जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है एम्बॉडेड हैं। तो आपको याद कर लेना है कि सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, पॉलिटिकल सोशल और इकोनॉमिक, इसके अलावा कोई भी जस्टिस हमारे प्रीएम्बल में जो है एम्बॉडेड नहीं है। वहीं बात कर लेते हैं लिबर्टी की। तो लिबर्टी की जब हम बात करते हैं, लिबर्टी का मतलब क्या है, एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेन ऑन एक्टिविटीज़ ऑफ इंडिविजुअल। और वहीं दूसरी ओर जो है ये क्या प्रोवाइड करेगा, साथ साथ में दोस्तों ये प्रोवाइड करेगा अपॉर्चुनिटी टू डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल। सही मायने में अगर आप लिबर्टी को देखेंगे यानी स्वतंत्रता को देखेंगे तो ये क्या करेगी, सबको अपॉर्चुनिटी देगी ग्रो करने की। जो अपॉर्चुनिटी टू ग्रो देगा वो क्या होगा, एक प्रकार की लिबर्टी कहलाएगा। वहीं देखिए इक्वालिटी की जब हम बात करते हैं तो किसी भी
चीज के स्पेशल प्रिविलेज का ना होना क्या है, वो इक्वालिटी है। ना कि इक्वालिटी का मतलब कि सबको समान खड़ा कर देना, इक्वालिटी का मतलब यह है किसी भी पोर्शन के पास कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं है। तो उसके अलावा देखिए, उसके अलावा इसमें इक्वालिटी का मतलब क्या है साथ साथ में, कि इसके साथ साथ ये प्रोविज़न भी होने चाहिए कि अपॉर्चुनिटी जो है इंडिविजुअल को बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के मिले, और जो सारे सिटीजन को सिक्योर करे इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। इसके जो हैं तीन डायमेंशन होंगे, जो कि है सिविक, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक। तो दोस्तों इक्वालिटी के तीन डायमेंशन कौन कौन से हैं, सिविक, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। तो ये तीन आप याद कर लीजिए, क्योंकि ये यूपीएससी के प्रीलिम्स में आपसे फिर से पूछा जा सकता है। वहीं बात कर लेते हैं आप फ्रेटर्निटी की। फ्रेटर्निटी का मतलब है ब्रदरहुड, मतलब है कि भाईचारा। तो ये भाईचारा जो है प्रीएम्बल हमारा क्या डिक्लेयर करता है कि हमारे जो भारत की फ्रेटर्निटी है, जो भाईचारा है, वो दो चीज़ों को एश्योर करके होनी चाहिए, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल और यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। यानी कि जो हमारी भाईचारा है ये क्या इंश्योर करना चाहिए कि हर एक इंडिविजुअल की जो डिग्निटी है, जो उसकी रिस्पेक्ट है, जो उसका सम्मान है, उसको बचाया जाए। उसके अलावा जो है भारत की अखंडता और संप्रभुता के ऊपर जो है कोई भी आँच ना आए। यानी कि इंटीग्रिटी ऑफ नेशन शुड बी सिक्योर्ड, ऑन द अदर हैंड डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल शुड बी प्रिजर्व्ड। तो मुझे लगता है फ्रेटर्निटी का कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। तो दोस्तों ये क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स मोस्ट एडिक्वेट रिलेशनशिप बिटवीन लॉ एंड लिबर्टी। तो पिछले कॉन्सेप्ट्स में हमने बताया था लिबर्टी का मतलब क्या है और लॉ में उसका क्या रिलेशन है। ये क्यों गलत हो जाता है अगर लॉ जो है लगातार बदले जाएंगे, लिबर्टी डेंजर में नहीं है। तो आपको यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर चुनना है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि ज़्यादा लॉ होंगे तो लिबर्टी लेस होगी, ये सही स्टेटमेंट है। मगर इससे ज़्यादा सही स्टेटमेंट क्या है, अगर लॉ ही नहीं होंगे तो लिबर्टी ही नहीं होगी। कैसे, मान लीजिए आर्टिकल 21 है आपका, तो वो है तभी तो आपको जो है फ्रीडम टू एक्सप्रेशन है। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट हम बताते हैं कि लिबर्टी फ्रॉम द लॉ और लिबर्टी बाय द लॉ। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्या है। देखिए जब डिबेट हुई थी लिबर्टी फ्रॉम द लॉ, तो लिबर्टी फ्रॉम द लॉ का मतलब हो जाता है कि फीचर जो है लॉ में इनहेरेंट हैं और जो है कॉन्स्ट्रेन जो है वो लिबर्टी को नहीं देता। फॉर एग्जांपल आर्टिकल 21, फॉर एग्जांपल आर्टिकल 14, 15, 16, ये आपको क्या सिक्योर करते हैं, बहुत प्रकार के जो है इक्वलिटी ऑफ स्टेटस और ये अपॉर्चुनिटी एक्सप्रेशन फेथ बिलीफ एंड वर्शिप जो है ये आपको प्रोवाइड करते हैं। वहीं देखिए लिबर्टी बाय द लॉ का मतलब ये है कि लिबर्टी सिक्योर की जाती है लॉ के थ्रू, जो कि एक फीचर इनहेरेंट होता है लॉ के द्वारा, और ये प्रोटेक्ट करता है लिबर्टी एज लॉन्ग एज इट सेटिस्फाइज सर्टेन कंडीशन। आप देखिए हमारे को जो है फ्रीडम दी गई हैं बट विथ सर्टेन रिस्ट्रेंट्स। अगर आप जो हैं देश की जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उनको नहीं मानेंगे तो आपको फंडामेंटल राइट्स ऑब्लिगेट करने का जो पावर है वो आपको नहीं मिलती है। तो मुझे लगता है कि आपके कॉन्सेप्ट बेसिकली क्लियर हो गए होंगे। इसका जो आंसर था वो बी था। मुझे लगता है पूरी तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा कि बी क्यों था। तो आइए आगे जानते हैं कि अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। तो आइए जानते हैं कि लिबर्टी का सही अर्थ क्या है। तो लिबर्टी का मतलब है दोस्तों कि एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट, जहाँ पे कि हर इंडिविजुअल जो है एक्टिविटी को जो है अपनी फुलफिल कर सके, और जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं डेवलपमेंट की इंडिविजुअल के ऊपर जो है वो पूरी उनको मिले। जो मैं आपको पहले बता रहा था कि हर इंडिविजुअल को अगर डेवलप करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, इसका मतलब वहाँ पे लिबर्टी एग्जिस्ट कर रही है। और प्रीएम्बल क्या सिक्योर करता है, सभी सिटीजन्स को लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन फेथ बिलीफ वर्शिप। ये आपको याद रखने हैं कि कितने प्रकार की लिबर्टी दी गई है। हमारे प्रीएम्बल में दी गई है थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप, यानी कि पाँच प्रकार की जो हैं हमारे प्रीएम्बल देता है पाँच प्रकार की लिबर्टी हम लोगों को, जो कि इन्फोर्सेबल हैं फ्रॉम द कोर्ट इन केस ऑफ वायलेशन। तो आप इसको याद कर लीजिए कि जितनी प्रकार की लिबर्टी प्रीएम्बल देता है वो इन्फोर्सेबल हैं अगर वायलेट होती हैं तो। आप ये क्वेश्चन भी यूपीएससी जो आपसे पूछ सकती है। वहीं लिबर्टी अगर हम इलेबोरेट करें प्रीएम्बल के टर्म में, तो इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम को एसेंशियल वर्किंग में जो है
जो बेसिक कॉन्सेप्ट प्ले करता है वो लिबर्टी ही प्ले करता है। तो लिबर्टी जो है वो लाइसेंस नहीं देता कि आप ये कर दें कि जो आपके मन में आ रहा है, आपके मन में आ रहा है कि दूसरे का गला काट दें तो नहीं काट सकते। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आती है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, जो कि मेंशन की गई है हमारे जो आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल नंबर 19, आर्टिकल नंबर 16, इनमें जो है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी आपकी आती हैं। तो प्रीएम्बल जो है जितनी भी लिबर्टीज़ हैं वो आपको एब्सोल्यूट नहीं हुए हैं, और जो एब्सोल्यूट नहीं है मतलब रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इनके ऊपर लगाया जा सकता है, तो आपको ये भी याद रखना है साथ साथ में। तो जो आइडिया थे वो कहाँ से लिए गए, लिबर्टी इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी का जो आइडिया है प्रीएम्बल में वो लिया गया फ्रेंच रिवॉल्यूशन से, 1789 से 1799 के बीच जो है जैकोबिन क्लब्स और ये जो भी रिवॉल्यूशन हुई थी उनकी जो परिणाम स्वरूप जो निकला लिबर्टी फ्रेटर्निटी वही हमने वहाँ से लिया हुआ है। अब देखिए ट्रू लिबर्टी की जब हम बात करते हैं, ट्रू लिबर्टी कहाँ से आती है, एज अ फॉर्म ऑफ एस्टेब्लिश्ड लॉ जो कि एग्जिस्ट करता है, अगर लॉ होगा तभी लिबर्टी होगी। और बट जो रियलिटी है वो ये है कि लॉ गारंटी करता है फ्रीडम को, और फ्रीडम लिबर्टी देती है किसको, इंडिविजुअल को। जब हम बात करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की तो आर्टिकल नंबर 21 जो है हमें बहुत सारी फ्रीडम देता है, फॉर एग्जांपल स्पीच, एक्सप्रेशन, मूवमेंट, असेंबली, प्रोफेशन, और जो है ये सब किसके माध्यम से देता है, जैसे कि आर्टिकल नंबर 19 के माध्यम से। वहीं देखिए कॉन्स्टिट्यूशन जो यूएसए का है उसमें सीरीज़ ऑफ अमेंडमेंट किए जाते हैं सिटीजन को देने के लिए विभिन्न प्रकार की लिबर्टीज़। तो जो है जितनी भी कॉन्स्टिट्यूएंट डेमोक्रेसीज हैं, मोनार्कीज़ हैं, सभी जगह जो है लिबर्टी जो है वो कहाँ से दी जाती हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है। और जुडिशरी क्या काम करती है, जुडिशरी का ये काम है इट विल एक्ट एज अ वॉच डॉग, जितना भी कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट है उनको अप्लाई होने के लिए जो है वो एज अ वॉच डॉग काम करेगा। और लिबर्टी जो है वो किसका कॉम्बिनेशन है, पॉजिटिव और नेगेटिव लिबर्टी दोनों का कॉम्बिनेशन है। और ये क्या डेवलप करता है, ये हेल्प करता है किसी भी इंडिविजुअल को अपना जो पोटेंशियल है उसको डेवलप करने में, और जो है इंटरफेरेंस ऑफ एक्सटर्नल एजेंट्स को जो है ये कर्ब आउट कर देता है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है द प्रोटेक्शन अगेंस्ट टायरनी ऑफ पॉलिटिकल रूलर्स, नहीं द एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेन अपॉर्चुनिटी टू डू वट एवर वन स्ट्राइक, ये भी नहीं होगा, अपॉर्चुनिटी टू डेवलप वन सेल्फ फुली। तो देखिए मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आपका हो जाता है डी, तो इसका आंसर हो जाता है डी। तो मुझे लगता है कि आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये कॉन्सेप्ट्स आपको आगे भी काम आएंगे यूपीएससी के आगे आने वाली जर्नी में। और अगर आप लोग कभी क्वालिफाई हो जाएं तो ज़रूर बताइएगा, हमें एक मेल ज़रूर कीजिएगा। तो अब देखिए आज के कॉन्सेप्ट ऑफ द डे आ जाते हैं कि द प्रीएम्बल एम्बॉडीज द बेसिक फिलॉसफीज एंड फंडामेंटल वैल्यूज़ जो कि है पॉलिटिकल, मॉरल और रिलीजियस, जो कि बेस्ड हैं ग्रैंड नोबल विजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और ये क्या रिफ्लेक्ट करता है, ड्रीम और एस्पिरेशन ऑफ द फाउंडिंग फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये भी यूपीएससी का क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है कि द ग्रैंड नोबल विजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज डिपिक्टेड इन। तो इसके अलावा देखिए ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट्स, तो हमने उनके भी कुछ पार्ट्स ले लिए हैं, एम लक्ष्मीकांत को समराइज कर दिया आपके लिए। तो सर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जो है एक मेजर रोल प्ले किया है कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में, और प्रीएम्बल को उन्होंने कहा था प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेसेस व्हाट वी थॉट और व्हाट वी हैव ड्रीम्ड सो लॉन्ग, यानी कि जैसे मैंने आपको कहा कि अभी तक जो उन्होंने सोचा था जो उस टाइम पूरा नहीं कर पाए तो आगे की जनरेशन के लिए उन्होंने ये छोड़ दिया कि आप ऐसा करें। वहीं के एम मुंशी कहते हैं जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के भी मेंबर थे, उन्होंने इसको कहा हॉरोस्कोप ऑफ द सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, यानी कि भारत के भविष्य को हॉरोस्कोप कहा, यानी कि हॉरोस्कोप का अर्थ हो जाता है राशि फल, यानी कि आगे का भविष्य भारत का क्या सा होना चाहिए। वहीं एम हिमायतुल्ला जो कि फॉर्मर चीफ जस्टिस हैं उन्होंने कहा कि प्रीएम्बल रिजेंबल्स द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिया ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बट इज सो मोर देन अ डिक्लेरेशन, ये क्या है एक सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है और ये ले करता है पॉलिटिकल सोसाइटी के, और ये सोलेमली रिजॉल्व नथिंग बट अ रिजोल्यूशन कैन एल्टर।
तो देखिए प्रीएम्बल के जो आगे दूसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं कि प्रीएम्बल जो है वो पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं है। तो होता क्या है, 1973 में केशवानंद भारती केस आता है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि प्रीएम्बल जो है एक्सट्रीम इम्पोर्टेंस का पार्ट है और ये जो है इसको इंटरप्रेट और रीड किया जाना चाहिए विद द ग्रैंड नोबल विजन डेट वॉज एक्सप्रेस्ड इन द प्रीएम्बल। और वहीं जो है LIC ऑफ इंडिया केस में जो है सुप्रीम कोर्ट ये दोबारा कहता है कि प्रीएम्बल जो है इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। और इसमें जो है दो चीज़ें नोट की जानी चाहिए, पहला ये कि प्रीएम्बल किसी का जो है सोर्स ऑफ पावर नहीं है, ना ही ये लेजिस्लेचर के ऊपर प्रोहिबिशन डालता है, और दूसरी बात कि ये नॉन जस्टिफाइबल इन नेचर है और प्रीएम्बल के जितने भी पार्ट हैं वो नॉन इन्फोर्सेबल हैं और इनके लिए आप कोर्ट जाकर ये नहीं कह सकते कि प्रीएम्बल ने हमें इतनी प्रकार की लिबर्टीज़ जो हैं ग्रांट की गई हैं। मगर जो है प्रीएम्बल की जितनी भी ये हैं ये फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल राइट्स के जरिए आप जो हैं और डिफरेंट प्रकार के जो लीगल राइट्स हैं इनके इन्फोर्समेंट के लिए आप जो हैं कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं। तो यानी कि एक तरीके से प्रीएम्बल ने ये कहा कि हम आपको देंगे इक्वालिटी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन एंड बिलीफ, वो आपको दिया फंडामेंटल राइट ने। अब आप इन फंडामेंटल राइट के लिए जो हैं आप इन फंडामेंटल राइट के लिए कोर्ट जा सकते हैं मगर आप प्रीएम्बल को इन्फोर्स करने के लिए नहीं जा सकते। बट प्रीएम्बल ने जो है इनडायरेक्टली इन्फोर्स हो गया, कैसे, क्योंकि प्रीएम्बल को इन्फोर्स कर रहा है कौन, फंडामेंटल राइट, और फंडामेंटल राइट्स के लिए आप कोर्ट जा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए आगे देखते हैं कि अमेंडेबिलिटी ऑफ प्रीएम्बल। तो अमेंडेबिलिटी ऑफ प्रीएम्बल की जब हम बात करते हैं तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था, काफ़ी समय तक ये डिबेट हुई कि प्रीएम्बल अमेंड किया जा सकता है अंडर आर्टिकल 368 और नॉट। तो सबसे पहले ये केस आता है केशवानंद भारती केस में जिसमें प्रीएम्बल को जो है नहीं अमेंड किया जा सकता, कहता है कौन, हमारा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये कहते हैं क्योंकि ये पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो इसमें कोर्ट की जो जजमेंट होती है वो ये कहती है कि प्रीएम्बल कैन बी अमेंडेड सब्जेक्ट टू कंडीशन दैट नो अमेंडमेंट इज़ डन टू द बेसिक फीचर। इन अदर वर्ड कोर्ट ये कहता है कि बेसिक एलिमेंट्स जो हैं फंडामेंटल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल के वो नहीं अल्टर किए जा सकते बाय आर्टिकल 368 यानी कि अमेंडिंग पावर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट केसेस आप लोगों के लिए हमने समराइज कर दिए हैं। बेरुबरी केस आता है 1960 में जिसमें ये कहा जाता है प्रीएम्बल इज की टू द माइंड मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज इट शोज द जनरल पर्पस बिहाइंड द सेवरल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अलावा देखिए प्रीएम्बल जो है पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। वहीं केशवानंद भारती केस 1973 में ये कहा जाता है कि प्रीएम्बल इज़ अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और ये अमेंड किया जा सकता है। वहीं LIC ऑफ इंडिया केस 1995 में जो है ये कहा जाता है प्रीएम्बल इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और देखिए प्रीएम्बल जो है वो इनेक्ट किया गया आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इनेक्टेड और जो है अडॉप्ट किया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा एज अ नोबल विजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। वहीं देखिए प्रीएम्बल जो है अभी तक जो है 1976 में अमेंड किया जा चुका है बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट जिससे कि प्रीएम्बल में जोड़ा गया सोशलिस्ट सेक्युलर और इंटीग्रिटी प्रीएम्बल में जोड़ा गया। तो मुझे लगता है कि ये तीन चीज़ें आपको याद करनी चाहिए, 42nd कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट एक्ट जिसमें कि सोवरेन सोशलिस्ट और डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट सेकुलर एंड इंटीग्रिटी ऑफ द प्रीएम्बल जो है इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन जो है वो जोड़ा गया किसमें, प्रीएम्बल में। तो प्रीएम्बल का जो बेसिक टेक्स्ट आज है वो क्या है, वी द पीपल ऑफ इंडिया सोलमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक एंड टू सिक्योर ऑल सिटीजन्स जस्टिस ऑफ सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। तो ये बेसिक टेक्स्ट आपको पूरा का पूरा याद होना चाहिए, UPSC कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकती है लिबर्टी के ऊपर, इक्वालिटी के ऊपर, फ्रेटर्निटी के ऊपर। मुझे लगता है कि ये सीरीज़ आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो रही है और आप लोगों के बेसिक कॉन्सेप्ट इससे क्लियर हो रहे हैं। नहीं हो रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइए कहाँ कमी है, वो भी बताइए, हम अगली वीडियो में वो पूरी कमी आपके लिए दूर करेंगे। तो आइए आज के क्वेश्चन ऑफ द डे आप लोगों की स्क्रीन पर।